तो जिस तरह से नागपुर में कोरोना का विकराल रूप लिया है, इस विकराल रूप में जिस तरह से नागपुर के मेडिकल कॉलेज हो या फिर शासकीय जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल हो, वहाँ पर कुछ दिन पहले देखा गया कि उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और ऑक्सीजन की कमी होने के बाद में कई मरीजों की जान पे खतरा बना था। जहाँ प्रशासन ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, वहीं पर एक मसीहा का काम करने वाले ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन सिलेंडर नागपुर को प्रोवाइड करने वाले, हमारे साथ में दो टैंकर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले और एक मरीजों पे एक जान बचाने वाले, एक मसीहा के तौर पर जहाँ पर यहाँ के नागपुर के कॉलेज को, नागपुर के हॉस्पिटलों को यहाँ पर वरदान के तौर पर साबित हुए। हमारे साथ में प्यारे खान साहब हैं, जिन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन के दो बड़े टैंकरों को नागपुर में दिया गया। मेरे साथ देख लीजिए विदर्भवटी पर है सर, स्वागत है आपका विदर्भवटी पर। सबसे पहले तो मैं आपका पहला सवाल ये है कि ऑक्सीजन की जिस तरह से नागपुर में कमी थी, आपने किस तरह से सोचा कि इतने लोगों की जान बचाए? आज बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है, जो लोग मर रहे थे जिनके ऑक्सीजन नहीं मिला था, ऐसे में आपने ऑक्सीजन के दो बड़े टैंकर को देकर एक संजीवनी का काम किया है। प्रशासन ने भी बहुत बड़ा वो एक सिरदर्द था ऑक्सीजन, आपने वो काम करके एक बहुत अच्छा किया। क्या कहेंगे सर? मैं इतना कहूंगा कि ऐसा एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते मैं टीवी चैनल्स पे काफी देख रहा था पूरे इंडिया में कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा यानी कि शॉर्टेज थी। तो मैं उसी समय मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अपने नागपुर के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ करते। तो हमने फिर टैंकर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत थी पूरे इंडिया में, क्योंकि टैंकर्स नहीं मिल रहे थे। ऑक्सीजन तो अपने यहाँ इंडिया में है अवेलेबल, लेकिन टैंकर्स नहीं थे। टैंकर्स फिर हमने खोज करना चालू की, तो हमको एक बेलारी और एक भिलाई में मिला, तो फिर हमने उसको ले आया। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, तो उन्होंने इस काम में मेरी बहुत मदद की। और वो अगर मेरे को हेल्प नहीं करते तो मैं शायद ये काम नहीं कर सकता। फिर बाद में और हमने वैजाग से 5 टैंकर लेके आए और कुछ 3 टैंकर और इन्होंने चुने दिए, तो ऐसा 12 टैंकर के साथ हम लोग तकरीबन 400-500 टन ऑक्सीजन भी इसको GMC को, मेवा को, एम्स को हम लोग डाल चुके हैं। सर बहुत देखा गया है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े लेवल पर, ऊंचे दर्जे पर, आपने वो कैसा सोचा कि नहीं इतना कोविड से नागपुर जिस तरह से संकट में उभर रहा है और ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो किस तरह से सोच रहे हैं कि भाई टैंकर को यहाँ पर मुआया कराना है, जान बचाना है? देखिए सबसे पहले तो क्या है कि लोगों की जान जा रही थी, वो हमारे देश के लोग हैं, और ये सबसे बड़ी दुखद घटना है कि जब हमारे देश में ऐसी आपदा आ पड़ी और हम आगे ना आए, तो वो वहाँ हमने फिर कुछ सोचा नहीं। हमने बोला कि नहीं, हमको हमारे देश के लोगों की जान बचानी, तो वहाँ हमने इस कार्य को शुरू करना आरंभ भी किया, और उसमें कुछ खर्चा भी आया। तो देखिए पैसा तो खैर ठीक है, पैसे का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा हमने इसी देश से कमाया, तो पैसे का हमने लगाया तो कोई एहसान नहीं किया। बस मेन मोटो था कि हमारे देश के लोगों की जान बचाना, क्योंकि ये जब देश बचेगा तब हम बचेंगे, जब देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। खान साहब, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति नागपुर में हैं, ऐसे उद्योगपति सामने में आए जैसा आप सामने पर आए, बहुत सारे लोगों की जान बची, एक उन परिवार के लोगों को आप एक वरदान के तौर पर साबित हो, परिवार का आशीर्वाद आपने, कई परिवार के आशीर्वाद लिया जो जान बची, तो ऐसे लोग सामने आए। नहीं, मैं उन उद्योगपति से एक गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के, क्योंकि देखिए आज नागपुर में जिन लोगों की वजह से बिजनेस कर रहे, अगर वही नहीं रहेंगे तो किसके साथ बिजनेस करेंगे? तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य है इंसानियत का, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। पहले हम इंसानियत के नाते उन लोगों की जान, वो बचेंगे तो हम बिजनेस करेंगे ना, बिजनेस कहाँ भागे जा रहा है? अगर वही नहीं रहेंगे तो हम बिजनेस, हमारे जो मान लो कपड़ा है या कोई स्वीट्स है या और भी बहुत सारी चीज़ें, वो लोग ही नहीं रहेंगे तो हमारे आएंगा कौन? पैसे देने वाले तो वही है, जब वही नहीं बचेंगे तो फिर नागपुर में बिजनेस चलेगा कहाँ से? तो मैं सब व्यापारियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि ऐसी दुखद घड़ी में कम से कम सब आ गया, जो हेल्प कर सकते जिस रूप में कर सकते, क्योंकि पैसा किसी को साथ में लेके जाना नहीं है। मैं न्यूज़पेपर में एक टैगलाइन पढ़ रहा था कि कफन में जेब नहीं होते, चाहे करोड़ कमाओ, अरब कमाओ, लाख कमाओ, वो रहना ही है, जाना आपको अकेले। सर जिस तरह से लाखों लोगों की जान बचाई, किस तरह से महसूस लगता है कि कितने लोगों की जान, और जब आप एक सुकून में कहीं तरह बैठते तो लगता है कि हमने जो कार्य किया है, कई लोगों की जान बची है आपके लिए। नहीं, ये देखिए, ये अपना एक इंडियंस होने के नाते मेरा कर्तव्य है
कि अगर आप खुद सोचिए कि आपके घर में अगर किसी परिवार के सदस्य को कुछ तकलीफ होती है, कुछ दुख होता है, तो आप उसके लिए करते हो ना, तो देश भी तो हमारा परिवार है, तो उसके लिए मैंने कुछ किया है तो ऐसा कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद सर, आपने विदर्भ टीवी से बात की। तो दर्शकों, ये थे प्यारे खान साहब, जिन्होंने नागपुर को दो टैंकर देकर एक संजीवनी का काम किया, जो परिवार यहाँ पर ऑक्सीजन से, जो मरीज ऑक्सीजन से तड़प रहा था, और जिस समय ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत नागपुर में हो रही थी, उस समय पे प्यारे खान साहब एक यहाँ पर एक मसीहा के तौर पर यहाँ पर सामने आए और टैंकर को मुआया करके नागपुर के कई मरीजों की जान बचाई। नागपुर में जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कोरोना के आंकड़े भयंकर विकराल रूप ले रहे थे, और इस विकराल रूप में ऑक्सीजन की कमी होते होते जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन को बड़ी यहाँ पर कड़ी मेहनत करना पड़ा था, उस पर प्यारे खान साहब ने ऑक्सीजन देकर एक मसीहा का काम किया। और उन्होंने हमसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा फर्ज है और मैं इस फर्ज को निभाने के तौर पे हमने जो प्रोवाइड किया, हमने जो ऑक्सीजन टैंकर को हमने नागपुर में दिया, ये मेरा फर्ज है। ऐसी ही अगर आप ऐसी ही मिसाल अगर प्यारे खान साहब से ले तो आप भी अगर आगे आकर ऐसे मदद कर सकते हैं, और मदद करने के बाद में आप भी इस कोरोना के संकट में जो मरीज जूझ रहे हैं उस पर एक बहुत बड़ी संजीवनी का काम कर सकते हैं। तो हम लोग विदर्भ टीवी के माध्यम से प्यारे खान साहब का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको लाए, और भी खबरों से रूबरू होंगे। तब तक के कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी नागपुर।